जम्मू कश्मीर की बात करें तो चरस और गांजा जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा जो है इस टाइम बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू के भी काफी एरियाज में इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं और अब तो कश्मीर में भी काफी सारे इस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं। पंजाब में पहले कभी इतना ज्यादा जो है चरस में डीलिंग होती थी और अब जम्मू कश्मीर भी कहीं पीछे नहीं है, लेकिन नार्कोटेक्स जो है डिपार्टमेंट है, नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, उसने बेड़ा उठाया हुआ है कि यहाँ से कोई भी इस तरह से इलीगली जो है चरस का कंसाइनमेंट यहाँ से कोई भी जाने नहीं देंगे। इसी चीज़ पे कल जो है 10 किलो जो है चरस जो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है पकड़ी गई। मेरे साथ अभी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की पूरी टीम है जिन्होंने जो है ये चरस जो है कल पकड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो है गाड़ी I-20 जो कि कश्मीर से काजीकुंड इलाके से आ रही थी उसको जो है कुजवानी बाईपास के पास पकड़ा गया और दो लोगों को जो उसमें पकड़ा है, एक उसमें ड्राइवर है और एक जो है फिरोज खान है जो कि ये कंसाइनमेंट कश्मीर से जो है गुजरात लेके जा रहा था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इस साल लगभग 50 किलो के करीब जो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में जो है इस तरह के जो है केसेस पकड़े हैं और 50 किलो जो है चरस सीज किए जिसमें 13 से लेकर 14 लोग जो है अरेस्ट किए गए हैं। ये फिरोज खान है जो कि कश्मीर से इस तरह का कंसाइनमेंट लेके जो है गुजरात जा रहे थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये वहां जाके जो है चरस को जो है इस तरह से बेचते हैं। 10 किलो लगभग चरस जो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने कुजवानी के पास पकड़ी है। ये पूरी की पूरी टीम है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की जिन्होंने ये काम किया और पूरे जो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए ये एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ से जो है जो कश्मीर से कंसाइनमेंट लेके जो है गुजरात की तरफ जाया जा रहा था उसको पकड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं ये चरस का कंसाइनमेंट है जिसको नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है और जिस तरह से भारत सरकार का भी कहना है कि ड्रग्स को हिंदुस्तान से बिल्कुल नेस्तनाबूद किया जाएगा, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने ये काम किया है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा 25 तारीख को भी इसी तरह का एक कंसाइनमेंट जो है 12 किलो का जो कि यूपी लेके जाया जा रहा था उसको भी एक लोकल टैक्सी में जो है पकड़ा गया था नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा और ये इन दो लोगों को जो है कल पकड़ा गया। कहाँ से आप चर्च लेके आए थे और कहाँ लेके जा रहे थे? काजीगुंड से लाया था और गुजरात ले जा रहा था। तो आपको पता है कि चर्च जो है मौत का सामान आप अपने साथ लेके जाते हैं, कितने लोग जो है इसमें जो है मुलविस होते हैं और उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं फिर भी आप ये काम करते हैं। सॉरी सर, उसके बाद कितने का आपने खरीदा और किससे खरीदा और कैसे आप बेचते हैं, आपके कौन से आगे लिंक्स हैं? कोई लिंक्स नहीं है, छोटी छोटी चीज करके मैं बेचता हूँ इसको, काट काट बस। तो कहाँ से खरीद के लाए हो आप ये? काजीगुंड से, तो वहां पे किससे लेते हो ये? फिर मुश्ताक नाम का आदमी, उससे लिया कितनी बार इस तरह की कंसाइनमेंट आप दो बार कश्मीर से ले गए हो? दो बार पहली बार कब लेके गए थे? 1.5 महीने पहले। आप ये बताओ कि आपको पता था कि आप ये क्या लेके जा रहे हैं नहीं, यहाँ से? मुझे नहीं पता था। आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात का। आप किस लिए आए थे यहाँ पर? मैं ड्राइविंग के लिए 500 रुपया पर डे आया था। मुश्ताक के साथ आपके लिंक कैसे बने? धंधे धंधे से बन गए सब। तो ये सिर्फ आप गुजरात में ही लेके जाते हो या और किसी स्टेट में नहीं भी नहीं सप्लाई करते हैं? तो कब से कर रहे हो ये धंधा आप? 2 महीने। 2 महीने हो गए। तो फिलहाल ये दोनों अक्यूज्ड हैं जिनको पकड़ा गया है चरस के साथ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा। हमारे साथ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट जो हैं जो कि यहाँ के जम्मू में हैं मिस्टर तिवारी साहब, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपकी टीम ने जो ये कंसाइनमेंट एक पकड़ा है, किस टाइम ये कंसाइनमेंट पकड़ा और कब आप लोगों को ये मतलब सूचना मिली थी जो आपने एकदम से इमिजिएटली जो है कार्रवाई कल की? दिन में सूचना मिली थी हमें कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि जी जो जी कश्मीर से एक पार्टी आ रही है जो चरस लेके गुजरात जाएगी, तो हम लोगों ने शाम को नाका कुंजवानी बाईपास पे लगा के फिर इनको मैंने पकड़ा। तो सर मार्केट कितना नार्को अगर बात करें कश्मीर से जो है कितना ज्यादा जो है इस तरह का काम जो हो रहा है स्मगलिंग अगर बात करें चरस की तो? काफी काफी बिल्कुल बिल्कुल इन लोगों ने धुआंधार सप्लाई कर रखा है, जिसमें हमारा बॉम्बे मुंबई और गुजरात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल हमें लगता है कि काफ़ी मात्रा में जा रही है, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं पकड़ने की, कभी ट्रक से, कभी छोटी गाड़ी से, कभी गुजरात की गाड़ी से, तो ये पूरी तरह से सर अगर हम लगे हुए जम्मू हैं। में भी बात करें तो जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है यंगस्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जम्मू में भी किस तरह से चेक रखा हुआ है? नहीं, जम्मू में भी हम चेक रखे हुए हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम कश्मीर पे ही नज़र रखते हैं, जम्मू कश्मीर पूरा हमारे चार्ज में है, जुरिडिक्शन में है, तो हम काम दोनों हर जगह कर रहे हैं, मगर ये जो सप्लाई जो ओरिजिनेट हो रही है चरस, ये कश्मीर वैली से ही हो रही है, जम्मू से नहीं हो रही, यहाँ कंजम्पशन है, तो उसके लिए भी हम लोग मुहिम छेड़ रखा है, जिसमें हम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से अपना और अवेयरनेस भी हम चला रहे हैं यहाँ पर कि
कि बच्चों को कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में ताकि ये लोग इसको यूज ना करें। तो कई तरह के कि भारत सरकार की जो नीति है उसको हम लोगों ने JNK में लागू कर रखा है। सर ये लोग किस गाड़ी में उस टाइम जा रहे थे जब आप लोगों ने इनको पकड़ा? हुंडई i20 की i20 गाड़ी है, सफेद रंग की, वो बाहर खड़ी, गुजरात का नंबर है, उसी में ये लोग आ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, जहाँ पहले अगर बात करें चरस चिट्टे की तो पंजाब में काफी ज्यादा जो है इस तरह के केसेस आते थे, अब जम्मू कश्मीर में भी आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इसका थोड़ा सा ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है। चिट्टा अलग चीज है, चिट्टा चरस से कनेक्ट नहीं है, चिट्टा हीरोइन से कनेक्ट है और वो ज़्यादा थोड़ा खतरनाक भी ज़्यादा है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस इसमें ज़्यादा इफेक्टिव है कि बच्चे को ये जानकारी रहनी चाहिए। इसके लिए हम आप लोगों से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी, आपका भी बड़ा अच्छा रोल है, आप उनको, क्योंकि अगर बच्चे को या किसी भी यूथ को ये जानकारी है कि ये हमारे लिए अभिशाप है तो हमें लगता है उससे ज़्यादा रोका जा सकता है। तो फिलहाल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये दो लोगों को कल पकड़ा गया, कल शाम के वक्त i20 गाड़ी लेके ये लोग जा रहे थे कश्मीर से। अगर हम बात करें तो इनका जो है कंसाइनमेंट लेके इनको गुजरात जाना था और 10 किलो जो है इनसे चरस बरामद की गई है, जिसकी लगभग जो है इन्होंने कहा कि मार्केट में जो वैल्यू रहती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये लोग जो है कुछ पोर्शन में जो है बेचते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, गाड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है, ये वो गाड़ी है जिसको इन्होंने जो है गाड़ी के अंदर जो है ये लोग चरस लेके जा रहे थे, इस गाड़ी को पकड़ा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 10 किलो जो है चरस बरामद हुई है जो है गुजरात में, ये जो है कंसाइनमेंट लेके जाया जा रहा था। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूंगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि इस साल जनवरी से लेके अब तक जो है लगभग 50 किलो के करीब जो है चरस बरामद की गई है और लगभग 13 से 14 लोग भी अरेस्ट किए गए हैं। तो फिलहाल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ज्यादा नकेल कसी गई है, जिससे इनका ये भी कहना है कि कोई भी इस तरह की स्मगलिंग की नहीं जाएगी। आशीष कोहली कह रहा है संदीप सिंह के साथ, यू फॉर यू वॉइस के लिए।